हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सम्मोल और मेरे पास है माइक्रोमैक्स का Q372 मॉडल है। तो दोस्तों, ये जो सेट है ये अभी माइक्रोमैक्स लोगो में रुक रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मैं तो आपको ऑन करके दिखा दे रहा हूं। ऐसे माइक्रोमैक्स लोगो में रुक रहा है, ठीक है। तो हम इसको फ्लैशिंग करेंगे। तो कैसे क्या इसको फ्लैशिंग करना है आज इस वीडियो में हम जानेंगे आपको, इस सेट को फ्लैशिंग कैसे करना है। ये ऐसे ही माइक्रोमैक्स लोगो में ही रुक रहा है, ठीक है, और आगे भी नहीं बढ़ रहा है ये सेट। तो इसका जो मॉडल है देखिए, ये है माइक्रोमैक्स का Q372, ठीक है। तो हम इसका फ्लैश फाइल अभी आपको डाउनलोड करना है। कैसे फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है देखिए, देखिए आपको नीचे लिखा है, यहाँ पर देखिए लिखा है हार्डवेयर वर्सन, लिखा है वर्सन 1.0.0 यहाँ पर हार्डवेयर वर्सन, और जो सॉफ्टवेयर का वर्सन लिखा है वो है 14.0.0, ठीक है। तो हमको अभी गूगल में टाइप करना है, देखिए चलेंगे गूगल में और यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे अभी माइक्रोमैक्स Q372 फ्लैश फाइल, देखिए ठीक है, माइक्रोमैक्स का Q372 फ्लैश फाइल यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो भी वर्सन है उसी हिसाब से आपको फाइल फ्लैश फाइल डाउनलोड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है mediafire.com, आपको इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए मुझे, देखिए नीचे नीचे आपको देखिए सब वर्सन का फाइल मिल जाएगा, नीचे है ये फाइल सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको चलना है माइक्रोमैक्स Q372 सॉफ्टवेयर वर्सन है 14.0.0 और हार्डवेयर वर्सन है 1.0.0, ठीक है। तो ये है 958 GB का है, 958 GB का। तो यहाँ पर आप कर लीजिए क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड। तो जब आप क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे, देखिए आपका यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं पहले से इसको डाउनलोड करके रखा हूँ माइक्रोमैक्स का Q372। देखिए यहाँ पर है सॉफ्टवेयर वर्सन 14.0.4 और हार्डवेयर वर्सन है 1.0.0। तो हमको राइट क्लिक और यहाँ पर आप कर लीजिए एक्सटार्ट हियर। एक्सटार्ट हियर करने पर देखिए आपको ऐसा वाला एक फोल्डर मिल जाएगा, ऐसे माइक्रोमैक्स का Q372 सॉफ्टवेयर वर्सन 14.0.4 और हार्डवेयर वर्सन 1.0.0। तो आप इसको ओपन कर लीजिए। तो मैं आपको दोस्तों दे दूंगा इसका ड्राइवर, दे दूंगा मीडियाटेक का ड्राइवर दे दूंगा और एडीबी ड्राइवर दे दूंगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेना है। और देखिए आपको यहाँ पर ये जो लिखा है ना फार्मर, इसके अंदर ही आपको इसका फ्लैश फाइल मिल जाएगा। ये है MT6582, मीडियाटेक का ये सीपीयू है MT6582 एंड्रॉइड स्कैडर। आपको ये फाइल को सिलेक्ट करना है। तो अभी करते हैं बैक। तो ये जो टूल है एचपी फ्लैश टूल वर्सन 3.0 कुछ समथिंग है, 3.1344 ये वाला है। तो और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो आपको एक लेटेस्ट टूल चाहिए। तो लेटेस्ट टूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी गूगल में सिंपल टाइप करना है आपको देखिए आपको गूगल में टाइप करना है एस पी फ्लैश टूल, SPD नहीं, ओनली आपको टाइप करना है SP फ्लैश टूल। क्लिक कर लीजिए और आपको देखिए यहाँ पर आ जा रहा है android.mtk.com पर, आपको इस साइट में जाना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आप आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए SP फ्लैश टूल का हर वर्सन यहाँ पर मौजूद है। तो आप लेटेस्ट वर्सन आप हमको चाहिए, लेटेस्ट वर्सन देखिए 5.1820 यहाँ पर क्लिक कर लीजिए आप। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड। तो मैं तो पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ देखिए SP फ्लैश टूल, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये है लेटेस्ट वर्सन, इसको राइट क्लिक और यहाँ करते हैं एक्सटार्ट हियर। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फोल्डर आ चुका है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे अभी। तो देखिए ये जो लिखा हुआ ना, लिखा है फ्लैश टूल, आपको ये वाला टूल को ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका ऐसे ही डाउनलोड ओनली में ऐसे ही रुकेगा। और यहाँ पर देखिए स्कैटर लोडिंग फाइल लिखा है ना, स्कैटर लोडिंग फाइल, तो हम चलेंगे यहाँ पर चूज फोल्डर, ये जो बीच वाला है क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर हम चलेंगे जहाँ पर मैं फाइल रखा हूँ, ठीक है, डी में फ्लैश फाइल। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोमैक्स का Q372 सॉफ्टवेयर वर्सन 14.0.0
जीरो और हार्डवेयर वर्सन 1.0.0। इसको ओपन कर लेते हैं और हम चलते हैं यहाँ पर लिखा है फार्मर, इसको ओपन, और यह है एंड्रॉइड स्कैटर फाइल, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए आप ओपन। ओके अभी आपका ये आ चुका है फाइल, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर सिंपली करेंगे डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड में क्लिक, यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करने के बाद आपको देखिए दोस्तों फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको फ़ोन को कैसे कनेक्ट करना है। तो आपको पहले मैं आपको जो दे दूंगा मीडियाटेक का ड्राइवर और एडीबी ड्राइवर, आप दोनों को इंस्टॉल करना है और बैटरी लगाना है फ़ोन में, ठीक है। और पीछे का कवर लगा लीजिए और सिंपली आपको यहाँ पर केबल लगा देना है, कोई भी की प्रेस नहीं करना है, आपको केबल लगा देना है। तो देखिए अभी मेरा नीचे देखिए डाउनलोडिंग डीए 100% ये भी ले चुका है। ओके तो मेरा अभी फ्लैशिंग भी शुरू हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों डाउनलोड फ्लैश 1-2% अभी मेरा यहाँ पर येलो कलर का अभी सिंबल चल रहा है अभी यहाँ पर, तो मेरा अभी फ्लैशिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। तो कुछ टाइम हम वेट करते हैं। अभी आपको कोई की नहीं दबाना है, ओनली आपको सिंपली केबल को लगा देना है। अगर आप ड्राइवर नहीं देंगे तो आपका फ़ोन जो है वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। उधर ड्राइवर ये फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, तो आपको मस्ट आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना है। ओके दोस्तों, देखिए आपका अभी डाउनलोड ओके और यहाँ पर आपका राइट का सिंबल अभी आ चुका है। जब तक ये सिंबल ना आए तो आपको केबल नहीं निकालना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी केबल को निकाल लेंगे और बैटरी को फिर से निकालेंगे और फिर से बैटरी को लगाएंगे हम। अभी साइड को हम करेंगे ऑन, तो देखते हैं अभी माइक पास लोगों से आगे गया नहीं, थोड़ा चेक कर लेते हैं हम अभी।
तो फ्लैशिंग हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम।
देखिए ये भी हो चुका है 100%। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख चुका है, फ्लैशिंग हुआ है तो थोड़ा टाइम ही लगेगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी वीडियो हो चुका है लगभग 20 मिनट, तो आप थोड़ा और थोड़ा पेशेंस रखिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पर सेटअप कर लेते हैं इंग्लिश राइट नो। तो देखिए आपका सक्सेसफुली अभी यहाँ पर आपका माइक्रोमैक्स लोगो अभी आपका जा चुका है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपका अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।